वेलकम वंस अगेन, दिस इज लक्ष्मण योर DESS कोच। आज मैं आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जो काफी सारे यूजर्स और व्यूवर्स हैं आए दिन मुझे कमेंट करते रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इवन मेरे क्लास के अंदर भी काफी सारे लोग मुझे ये सवाल करते कि सर कैसे XVR यानी कि दहुआ का जो XVR है इसके ऊपर हम हिकविजन का IP कैमरा हम चला सकते हैं। ये आज मैं आपको पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपके पास में बुक और पेन है तो प्लीज इस स्टेप को नोट कर लीजिए और ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हमारी स्क्रीन के ऊपर और प्रैक्टिकली इसे सीख कर लेते हैं। ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फोरम ये आपको अवेलेबल करवाता है कि कैसे आप थर्ड पार्टी के डिवाइसेस को आप चला सको अपने XVR के ऊपर। ऑलराइट, तो अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी डिवाइसेस आपको ऐड करना है, कोई भी थर्ड पार्टी आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो या आपका CCTV कैमरा हो या IP फोन्स हो, हर चीज़ के लिए अगर आपका थर्ड पार्टी है और किसी और अनदर प्रोटोकॉल पर आपको उसे रन करना है तो उसके लिए आपको ONVIF यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो आपको हर एक थर्ड पार्टी सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी प्रोटोकॉल के ऊपर आपको चलाना है। ONVIF क्या होता है इसके ऊपर डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं लोगों को, बट अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ऑलराइट, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हमें हिकविजन का कैमरा ऑन करना है तो हमें SADP टूल के अंदर जाना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका IP एड्रेस सेम रेंज में नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सेम रेंज में नहीं है, तो उसे पहले सेम रेंज में लाइए। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर आप देखोगे 192.168.0.109 ये मेरा सेम रेंज में है। और इवन अगर आप मेरे यहाँ पर XVR का देखोगे तो 0.114 यानी कि अगेन सेम। तो ये सेम नेटवर्क में है, इसी वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन इजीली हो जाएगा। यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक को पहले सॉल्व कर लो। ऑलराइट, अब ये होने के बाद में आपको क्या करना है, मुझे इस IP कैमरे को अगेन एक दूसरे ब्राउजर के अंदर मैं इसे ओपन कर लूँगा, 168.0.109 इस तरीके से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो आपके कैमरे का जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आप टाइप कर लो, ठीक है। ये जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे मेरा कैमरा जो है ये लाइव हो गया। ऑलराइट, मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, डेट इज़ नेटवर्क करके एक ऑप्शन है। नेटवर्क ऑप्शन में जाइए, नेटवर्क ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, डेट इज़ DHCP, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसे DHCP को ऑन करना है और इसे सेव करना है। अगर आपके पास में राउटर है, कनेक्टेड है, तो प्लीज़ इसे DHCP पे करिए, मैन्युअली मत करिए, ठीक है। जैसे आप DHCP पे करोगे होगा क्या, आपका IP एड्रेस ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा प्रॉपरली आपके राउटर के द्वारा, ठीक है। तो जैसे ही ये एंटायर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिलेगा इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल, इसमें जाना है आपको और यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर यूज़र नेम में आपको ADMIN लिख देना है और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है, जैसे कि आपको CCTV@123 और फिर उसके बाद में यहाँ पर अगेन CCTV@123 इस तरीके से आप पासवर्ड बना लीजिए और यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर पे रखिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ये बनाकर ओके करोगे, अभी यहाँ पर बता रहा है यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मुझे दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप बिगनर होगे, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उस समय पर आपको ये पासवर्ड बनाकर लेना है, ठीक है। अब जो भी पासवर्ड आप बनाओगे याद रखना, इसी पासवर्ड के थ्रू आप सिस्टम के अंदर कैमरे को ऐड करोगे। हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। अब मैं इसे ओके कर रहा हूँ और फिर उसके बाद में मुझे क्या करना है, इसे सेव करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे सेव किया है, अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर इतना सेटिंग होने के बाद में एक बहुत बार कई केसेस में, मैं आपको एक सेटिंग और बताना चाहता हूँ, वो कर देख लीजिए। अगर आपका फिर भी ONVIF के द्वारा आपका यहाँ पर लाइव नहीं हो रहा है कैमरा, तो वो सेटिंग ये है
कि आपको जाना होगा सिक्योरिटी के ऑप्शन में। तो सिस्टम में जाइए, सिक्योरिटी में जाइए और सिक्योरिटी सर्विसेज में जाइए। सिक्योरिटी सर्विसेज में आने के बाद में यहाँ पर आपको एनेबल इलीगल लॉगिन लॉक करके एक ऑप्शन होता है। कई केसेस में इसे डिसेबल करने के बाद ही आपका वहाँ पर लाइव होता है, ये एक बार आप डिसेबल करके चेक कर लो। अगर इसके बावजूद भी ये नहीं हो रहा है तो देर आर सम मोर फ्यू ऑप्शंस जो मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता। अगर मुझे आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रहा है तो मैं उसके ऊपर पार्ट टू वीडियो लेकर आऊँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको सेव करना है। आई थिंक सो इतना करने के बाद में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसे ही आपने इसे कर दिया क्लिक सेव, और उसके बाद में अब आपको करना क्या है, वेब सर्विसेज पे जाना है। ठीक है, यानी कि आपके दहुआ XVR के अंदर जाना है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपका नेटवर्क जो होना चाहिए दोनों ही सिस्टम के लिए, यानी कि आपके XVR के लिए जो IP एड्रेस और आपके जो आपका हिकविजन का कैमरा है उसका जो IP एड्रेस होना चाहिए वो सेम नेटवर्क में होना चाहिए। ठीक है, आपके सेम लोकल एरिया नेटवर्क में होने के बाद में आपको करना क्या है, आपको हिकविजन के अंदर जाकर, यानी कि जो हिकविजन का कैमरा होगा, स्टेप नंबर टू बता रहा हूँ, हिकविजन का जो कैमरा होगा वहां पर जाकर आपको ऑनविफ के अंदर यूजर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे नेटवर्क के अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पर जाइए ऑनविफ के अंदर और यहाँ पर एक यूजर ऐड कर लीजिए। जैसे ही आपका ऑनविफ यूजर ऐड हो जाएगा, याद रखें ये पासवर्ड आपको याद रखना है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए अब आपको करना क्या है, अब आपको स्टेप नंबर थ्री फॉलो करना है, डेट इज एडिंग द IP कैमरा ओवर योर XVR। तो XVR के ऊपर IP कैमरा ऐड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सो आपको करना क्या है, आपको जो है यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पर कैमरा ऑप्शन के अंदर जाना है। कैमरा में जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाय द नेम ऑफ कैमरा लिस्ट। ठीक है, कैमरा लिस्ट में जाने के बाद में मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इसे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, डिवाइस सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको IP आएगा। कई केसेस में यहाँ पर IP आता ही नहीं है, इसका मतलब आपने ऑनविफ का यूज़र नहीं बनाया है। तो हिकविजन में जाकर वो यूज़र आपको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया था वो कंपलसरी है करना। जैसे ही आपका यहाँ पर IP आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हो सेम मॉडल यहाँ पर दिखा रहा है, इसे मुझे ऐड करना है। ऐड करते ही ये तुरंत यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर लोग सोचते हैं कि लाइव हो जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर आपको करना क्या है, मॉडिफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है जो आपने ऑनविफ यूजर में आपने बनाया था, वही पासवर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा, बस मैं टाइप करके आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे ही ये हो जाए अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। एक बार यहाँ पर मैन्युफैक्चरर में चेक कर लेना, ये ऑनविफ ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस फॉरम प्रोटोकॉल पे सेटेड है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर होने के बाद में ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करोगे 2 मिनट आपको होल्ड करना है, वेट करना है। जैसे ही 2 मिनट वेट करोगे ये लाइव हो जाएगा, ये हरा कलर आपको यहाँ पर दिखेगा, और जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा हम वहाँ पर जाकर लाइव प्रीव्यू चेक करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से टाइप करता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने पासवर्ड गलत टाइप किया था तो इस वजह से ये नहीं आ रहा था। अब मैंने यहाँ पर सही पासवर्ड टाइप करके यहाँ पर इसे लाइव कर दिया है, और ये देख सकते हो हरा हो गया, यानी कि ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जैसे ही हम लाइव में जा रहे हैं, और लाइव में जाने के बाद में हमारा कैमरा हमारे पैनल पर लगा हुआ है, और मैं यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही नंबर 5 यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा हिकविजन का IP कैमरा यहाँ पर प्ले हो रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप हिकविजन का IP कैमरा लाइव कर सकते हो दहुआ के XVR के ऊपर। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने मिला होगा, मज़ा आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइए, और इवन बताना चाहता हूँ स्किल मुंबई ने एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया है फीचर्स और CCTV कैमरा के ऊपर। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो जाकर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोगों का नॉलेज उसमें काफ़ी ज़्यादा एनहांस होगा। मैं लक्ष्मण, मैं मिलता हूँ आप लोगों को हमारे किसी और अनदर वीडियो के अंदर। टिल देन दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर।